हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। इस वीडियो में मैं कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर सेट 4 को कवर करूंगा, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे CCC और बैंकिंग के लिए। तो चलो यार देखते हैं, ये एक्सेल का टेस्ट सीरीज है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं जो मैं कवर करूंगा। पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ नंबर। देखो इनमें से क्या होता है कि किस ऑप्शन से हम बड़ी संख्या को कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है मैक्स, इसको हम लिखते हैं फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, तो लिखते हैं MAX, ठीक है, इसको लिखते हैं MAX। मैक्स फार्मूला से हम मैक्सिमम नंबर फाइंड करते हैं, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू यूज टू क्रिएट अ चार्ट। किस ऑप्शन से हम चार्ट को क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ पाई चार्ट, एक्सेल विजार्ड, डेटा विजार्ड, तो यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट विजार्ड। देखो पाई चार्ट में क्या होता है, टेबल चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, स्कैटर होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट, तो ये ऑप्शन रहेगा 4। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल को हम फॉर्मूला बार के नाम से जानते हैं, तो इसका नाम, इसका आंसर है हमारे पास, आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड। तो इसका आंसर है पोर्ट्रेट। जैसे हम जब ओपन करते हैं ना कंप्यूटर, ठीक है, तो इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, तो डिफॉल्ट मोड होता है वो होता है पोर्ट्रेट मोड, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो टाइप का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। अगर हम लैंडस्केप की बात करें तो ये ऐसा दिखता है, ठीक है, इसका जो पेज होता है इस टाइप का दिखता है, और जो पोर्ट्रेट होता है वो इस टाइप से दिखता है, देखो ऐसा पेज जिसमें हम लोग जीरोक्स कराते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव में ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैव अ डेटा एंड अ स्लाइड नंबर अपीयर ऑन एवरी स्लाइड। तो इसका आंसर है चूज इंसर्ट हेडर एंड फुटर, क्लिक स्लाइड टैब, सेलेक्ट द डिजायर ऑप्शन, क्लिक अप्लाई टू ऑल। तो इसका आंसर है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, टू मूव टू द बॉटम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रेस। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं हम कंट्रोल की और इंड की यूज करते हैं, तो हम इससे नीचे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड इज ऑड। तो इसका आंसर होता है पेरिफेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, इफ इन्फॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर द हार्डवेयर आर यूज्ड। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग और कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडेम का इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, इन पेज प्रीव्यू मोड। तो इसका आंसर होता है यू कैन सी ऑल पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। इसका आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 10, अ सीपीयू कॉन्टेंट
देखो सीपीयू का जो काम होता है उसमें क्या शामिल होता है, ये होता है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर इलेवन लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर होता है यूजर और इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल वर्क ऑन विच ग्रुपिंग वाइल फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट इन वर्ड। इसका आंसर है पैराग्राफ, इंडेक्स एंड सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है व्हेन यू वांट टू मूव सम टेक्स्ट फ्रॉम वन पेज टू अ डिफरेंट पेज द बेस्ट मेथड इज। तो इसका ऑप्शन होता है कट एंड कॉपी, कट एंड पेस्ट। ऑप्शन क्या होता है, मूव करना। देखो किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स प्रेस करो तो, और फिर नेक्स्ट जगह आप प्रेस करते हो तो जो फर्स्ट प्लेस था वहां से वो मूव कर जाएगा। ठीक है, इसका आंसर है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूज। फर्स्ट जो कंप्यूटर था उस पर जो प्रोग्राम किया गया था वो था मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी आर द मार्जिन ऑन पेज। तो मार्जिन में कितने होते हैं हमारे पास, 4 टाइप। एक होता है ऊपर वाला हिस्सा, एक होता है लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, एक होता है बॉटम वाला। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 4, अपर लोअर राइट लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस। तो इसका आंसर होता है शेयरिंग करने के लिए नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द सेटिंग आर ऑटोमेटिक एंड स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर होता है जो डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है उनको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। तो इसका आंसर है पासवर्ड। कोड एंट्रीज विच आर यूज अगेन एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। अगर हम किस सिस्टम को यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं तो उस कंप्यूटर का हमें पासवर्ड पता होता है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है इसमें टू व्यू इंफॉर्मेशन ऑन द वेब यू मस्ट हैव अ। ऑप्शन 4 इसमें दिए हुए, केबल मॉडम, वेब ब्राउजर, डोमेन नेम सर्वर, हाइपर टेक्स्ट व्यूअर और नन ऑफ दीज। इसका आंसर होता है वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवेन टू रिबूट द कंप्यूटर। तो इसका आंसर होता है कंट्रोल और डिलीट। देखो कभी सिस्टम जब हमें फॉर्मेट करना होता है तो हम कहते हैं सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल अल्ट के साथ डिलीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड। तो डिफॉल्ट जो होता है उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। देखो ये बार फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, टू फाइंड एंड लोड अ फाइल दैट हैज बीन सेव। तो इसका आंसर होता है सेलेक्ट द ओपन कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 23, विच फंक्शन कैलकुलेट द लार्जेस्ट वैल्यूज इन अ सेट ऑफ नंबर। तो इसका आंसर होता है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 24, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे है मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ
both the computer is the same. The speed of both these computer cannot be compared with the speed of advanced computer. देखो जो first वाला जो mini computer है वो micro computer से भी fast चलता है. Next question, question number 5. Yes, next set आ गया. Next set को भी हम देखेंगे. Unit 2. ऐसा क्वेश्चन का देखते हैं. लिखा है सेलेक्ट ऑफ कमांड. कमांड को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कमांड को हम सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं ब्रिंग चेंज इन एक्सपेंशन ऑफ डिस्प्ले डॉक्यूमेंट. तो इसका आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन. जो फाइल होता है उसको हमें अगर एक जगह ऑर्गेनाइज करना हो तो हम फोल्डर का इस्तेमाल करते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट कैन यू हैव ओपन एट एनी वन टाइम. तो इसका आंसर होता है एज मेनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड. जो कंप्यूटर होल्ड करके रखता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सच अ प्री मेड डॉक्यूमेंट, सच अ प्री मेड डॉक्यूमेंट विच हैज कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट लेआउट एंड बैकग्राउंड इज. तो इसका आंसर है डी टेम्पलेट. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉलम, इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉलम डेटा इन वर्ड यू नीड टू. तो इसका आंसर है ई नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी सही नहीं है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेविंग इज अ प्रोसेस. सेविंग से क्या होता है? टू कॉपी द डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम, टू ब्रिंग चेंज इन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट, टू चेंज द फेस ऑफ एंटायर फॉर्म, टू डेवलप द डॉक्यूमेंट बाय रिकॉर्डिंग द टेक्स्ट विद द यूज ऑफ कीबोर्ड. तो देखो ख्याल रखो आप यहाँ पे सेविंग इस प्रोसेस के बारे में बोल रहा है. तो हम क्या करते हैं? कॉपी डॉक्यूमेंट करते हैं फ्रॉम मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में. तो इसका आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टू इंसर्ट अ वर्ड इनटू द मिडल ऑफ सेंटेंस. अगर हमें सेंटेंस को मिडल करना होता है तो हम यूज करते हैं मूव द कर्सर टू द डिजायर्ड लोकेशन इन द सेंटेंस एंड टाइप द न्यू वर्ड. ठीक है, तो इसका आंसर है ए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइस. तो इसका आंसर होता है ए. ये क्वेश्चन कई बार देखो तीन बार रिपीट हो चुका है. ये इस तरह से एग्जाम में ये कवर किए भी गए हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक. तो इसके लिए हम यूज करते हैं बाय पोजिशनिंग योर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस इंटर. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर कहीं भी आप प्रेस करिएगा ना अपने डॉक्यूमेंट में तो पेज ब्रेक वहां पर हो जाता है. इसका आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जंक ईमेल इज ऑल्सो. ठीक है, तो जंक ईमेल के बारे में पूछ रहा है. तो इसका होता है स्पैम मेल जो आते हैं वो जंक ईमेल कहलाते हैं.